पांडे जी किसी का नाम छूट जाएगा तो माफी चाहता जय रावत जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले, क्योंकि ये मेडिकल स्टूडेंट्स का मामला है, एमसीआईएसएम ने और एक फरमान जारी किया वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना से स्टूडेंट का डॉक्टर वेंकट बलमुरली को बुलाना चाहूंगा, जो नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा चाहे वो किसी भी बैच के स्टूडेंट हो। सबसे पहले आप देखिए वो कानून बन कर रहा है और लागू कब से हो रहा है, आप देख सकते हैं देश के अंदर कानून व्यवस्था को और संविधान को तार तार कर तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, जिसका असर छात्रों पर बहुत बुरा पड़ रहा है। और इस तरीके के कानून भविष्य में छात्रों का जो है रोजगार के अवसर पर मौजूद प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे सभी एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल ऑफिस बिल्डर्स और तमाम हमारे एनएसयू के साथीजन और जितने भी नीट स्टूडेंट्स हैं जो ये लड़ाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये तो पिछले 15 दिन से जो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई हम तेलंगाना में भी स्टार्ट किए। तेलंगाना में तकरीबन 70,000 स्टूडेंट्स जो नीट एग्जाम लिखे थे वहां पर भी दिन पे दिन एक मुद्दा बाहर निकल जा रहा कि पेपर लीक हुआ, लेकर पेपर लीक हुआ, पेपर एक दिन पहले ही एग्जाम से एक दिन पहले उनके हाथ लगाए, जिसके लिए तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां पे अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो लेफ्ट और जो लोकल रीजनल पार्टी से सभी के साथ हमने एक बड़ा कार्यक्रम एवरी ऑल्टरनेट प्रोग्राम कर रहे हैं।